करो और आप देख रही हैं यमुनानगर सिटी न्यूज। जिला यमुनानगर में क्राइम किस कदर बढ़ता जा रहा है। हल्का सढ़ौरा से एक और मामला सामने आया है, बताना चाहेंगे। शराब कारोबारी के बाद एक और युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। 10-12 आरोपियों ने किस तरह से उस युवक के ऊपर तेज धार हथियारों से, डंडों व रोडों से उसके ऊपर हमला किया है। घटना स्थल से वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें जो बदमाश है उनकी दबंगई साफ साफ जाहिर हो रही है। तस्वीरें लगातार आपको यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। शराब कारोबारी के बाद एक और युवक से मारपीट, लाठी डंडों, तेज धार हथियार से हमला, हालत गंभीर। बताना चाहेंगे कि यमुनानगर में शराब कारोबारी के बाद एक और युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। 10-12 बदमाशों ने युवक पर रॉड, डंडों व तेज धार हथियार से हमला किया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में बदमाशों की दबंगई साफ साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरें लगातार आपको सढ़ौरा से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक युवक जो अपने राशन की दुकान पर काम कर रहा है, उसे 10-12 किस तरह से बदमाश आकर तेज धार हथियारों से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, धावा बोल देते हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंसानियत भी नहीं दिखाई दे रही, कितनी बेरहमी के साथ तेज धार हथियारों से उस शख्स के ऊपर लगातार रोडों के द्वारा वार किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें इस समय आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आसपास लोग भी इकट्ठा हो रखे हैं, लेकिन कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है कि कोई अगर किसी को बचाने के लिए आगे आता है तो पलट के वार उसके ऊपर भी हो जाता है। तो लोगों के अंदर किसी बात को लेकर डर भी है, तो इसीलिए शायद कोई सामने नहीं आता, तो इसीलिए शायद तस्वीरें लगातार आपको सढ़ौरा से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि शराब कारोबारी के बाद एक और युवक से मारपीट का मामला इसी तरह का सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 10-12 बदमाश किस तरह से युवक के